वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पोटैटो फ्राइज। पोटैटो फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले हम इनको छील लेते हैं। अब मैंने आलूओं को छील के धो लिए। अब इनको हम काट लेते हैं। इनको हम ऐसे काटेंगे, पतले पतले काटेंगे इनको। अब मैंने आलू को काट लिया, इसको मैंने धो लिया। अब इसका हम पानी सुखा लेते हैं। जब तक हमारे आलू का पानी सूखता है, हम अपना तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। गैस को ऑन कर देंगे। अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम अपने आलूओं को मसाला लगा लेते हैं। अब हमारे आलू का पानी सूख गया। यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच अरारोट डालेंगे। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग और विनेगर 2 चम्मच। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। अब इसको हम हाथ से ही इसको मिला लेते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैंने एक मैगी मसाला लिया, अब इसमें हम डाल देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब मैंने अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लिया। यहाँ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपने आलू डाल देते हैं। गैस को फुल ही गर्म रखना। इनको हमने हाफ फ्राई करना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। मैंने आलू को हाफ फ्राई कर लिए। अब इनको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हम दोबारा फ्राई करेंगे। अब हमारे आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे पोटैटो फ्राइज बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।